हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स। द फॉर्मल वर्ड्स आर विच वी यूज इन ऑफिशियल वर्क और इन कन्वर्सेशन विद आवर एनी कलीग कॉल्ड फॉर्मल वर्ड्स। फॉर्मल वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो हम ऑफिशियल वर्क में यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स फॉर्मल वर्ड्स कहलाते हैं। नाउ इनफॉर्मल वर्ड्स। इनफॉर्मल वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम अपनी फैमिली में किसी से या अपने फ्रेंड से बात करते समय यूज करते हैं। वहाँ आपको एक्स्ट्रा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको वहाँ खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जैसे होते हैं वैसे ही आप उनसे बात कर सकते हैं। अपनी तरह से अपने वर्ड्स में आप अपनी बात को उनको समझा सकते हैं। सो इन वर्ड्स को इनफॉर्मल वर्ड्स कहा जाता है। अब हम कुछ वर्ड्स की लिस्ट देखते हैं, इसमें हम जानेंगे कौन से वर्ड फॉर्मल हैं और कौन से इनफॉर्मल हैं। तो पहला वर्ड है हेल्प। हेल्प का मतलब तो आप सबको पता ही है, सहायता। अगर हमें इनफॉर्मली किसी से सहायता मांगनी हो, यानी अपने घर में किसी से या अपने फ्रेंड से, तो हम कहेंगे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। और यही बात अगर हमें फॉर्मली कहनी है ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो हम कहेंगे कैन यू असिस्ट मी। सेकंड वर्ड है स्टार्ट। अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि आई एम स्टार्टिंग माई वर्क। बट इसी को अगर हम फॉर्मल तरीके से कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनने वाली है, तो उसके बारे में हमें किसी को जानकारी देनी है कि उसका काम शुरू होने वाला है जल्दी ही, तो हम कहेंगे वर्क विल कमेंस ऑन द न्यू बिल्डिंग इमिडिएटली। मतलब नई बिल्डिंग या इमारत का काम जल्दी ही शुरू होगा। यहाँ पर भी शुरू होगा है, वहाँ पर भी शुरू होगा, लेकिन वहाँ पर हम स्टार्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर कमेंस का। इसी तरह है मैंड और इंसेन। फिर है गो अप और इंक्रीज। इनफॉर्मल में हम गो अप कहेंगे और फॉर्मल में इंक्रीज। फिर है टफ और डिफ़िकल्ट। टफ का यूज हम करेंगे जैसे ये सब्जेक्ट बहुत टफ है या कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन फॉर्मल रूप में हम डिफ़िकल्ट कहेंगे, जैसे इट्स डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस केस। फिर है बुक और रिजर्व। फिर है सो और देयरफॉर। फिर इनफॉर्मल का वर्ड है चूज और फॉर्मल का है सेलेक्ट। इनफॉर्मल में हम चूज करते हैं और फॉर्मल में हम सेलेक्ट करते हैं। फिर है लुक फॉर, यानी किसी को खोजना या किसी को ढूंढना, उसको फॉर्मल में हम कहेंगे सीक या सर्च। फिर है मे बी और परहैप्स। इनफॉर्मल में है से नो और फॉर्मल में है रिजेक्ट। फिर है बाय और परचेज। इनफॉर्मल में हम खरीदते हैं तो कहेंगे बाय और फॉर्मल में कहेंगे परचेज, मैंने ये सामान परचेज किया है। फिर नेक्स्ट वर्ड है सॉरी और अपोलोजाइज। अगर हम अपने फ्रेंड से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हम कहेंगे आई एम सॉरी। लेकिन अगर हम फॉर्मली किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हम कहेंगे आई अपोलोजाइज टू यू। फिर है टेल और इन्फॉर्म। फिर इनफॉर्मल वर्ड है नीड, उसका फॉर्मल वर्ड है रिक्वायर। फिर आस्क और रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल में हम कहेंगे आई एम आस्किंग यू और फॉर्मल में हम कहते हैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मतलब है फॉर्मल में हम ज़्यादा पोलाइट होते हैं, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि फॉर्मल में हम जितना पोलाइट हो सकते हैं, जितना स्वीट साउंड कर सकते हैं, उतना हम करते हैं। तो फिर आगे है इनफॉर्मल में चेक और फॉर्मल में वेरीफाई। और लास्ट है इनफॉर्मल में गेट और फॉर्मल में रिसीव। सो ये थी इनफॉर्मल और फॉर्मल वर्ड्स की लिस्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।
मैं जल्द ही फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स के ऊपर एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगी। धन्यवाद।